महक। इस बार भी तुम ही जीते हो, लेकिन हर बार अगर तुम इसी तरीके से अपनी जीत हासिल करते हो ना, तो तुम्हें विनर कहने का कोई हक नहीं है। मेरे इन्वेस्टर्स के साथ मुझे नहीं दिखा रही हो। अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर मेरी फैमिली टूटी ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब ये क्या है मोहित, ये वकील लेके क्यों आया है? मम्मी जी सही कहती तुम्हारे बारे में, तुमसे बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान कोई है नहीं। वकील साहब, महक पर नामजद केस दर्ज कराइए इस जायदाद में से मोहित का हिस्सा हड़पने का। किसकी परमिशन से तुम मेरे किचन में काम कर रही हो? मुझे ज्यादा तक याद है तुमने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अगर तुम्हें जरा सी भी परवाह होती ना रेस्टोरेंट की, तो अपने पागलपन में उसको बर्बाद ना होने देती। महक शर्मा, श्योर डोंट यू डेयर, ये मेरा रेस्टोरेंट, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते, लेकिन मैं कहीं नहीं जा। गॉट इट? अपने कपड़ों को देखो, ये दाग धब्बे, जिसका खुद का स्टाइल इतना बेकार हो, वो इस रेस्टोरेंट को क्या संभाले? लेकिन मिस्टर शौरखन, ये रेस्टोरेंट मेरे नाम है, तो टेक्निकली मैं बॉस हूँ। और हाँ, मेरे स्टाफ मेंबर के सामने मुझसे तमीज से बात करना। भाई, हमें अपना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप ठीक कह रहे हो भाई साहब, पर सवाल ये है कि काम करेंगे क्या? करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पापा जी, मैं अपने पुराने बॉस से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे जॉब वापस मिल सकती है। जॉब? लेकिन बेटा, इस हालत में तुझे जॉब नहीं, सिर्फ आराम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, जब मोहित आपके पेट में था तब क्या आपने घर के सारे कामकाज करने छोड़ दिए थे? और वैसे भी घर के काम के मुकाबले बाहर का काम तो बहुत आसान होता है। वो सब तो ठीक है पुत्र, पर दिल नहीं मानेगा तुझे भेजने के लिए। इसको ढंग से परफेक्ट है, ठीक है? ये दो मिनट करके ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ। सो सॉरी, सो सॉरी निकी, तुम्हें लगी तो नहीं? ओह गॉड, तुमने मुझे डराई दिया। सॉरी। तुम भी तो देख के चल सकते हो ना। और ये क्या है? यहाँ का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट क्यों बदल दिया? हाँ, मैंने बदला। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझसे कंसल्ट तो कर लेते। प्रिया, ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं क्या? फिर तो सच्चा प्यार होगा, नहीं? वो तो है। देखो मैं, तुमने जितना भी टाइम इस रेस्टोरेंट में गुजारा है ना, उससे कहीं ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे ये डिशेस टेस्ट और रिजेक्ट करने में बिता चुका हूँ, समझी? यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का एलिगेंस, यहाँ का डेकोर कैसे मेंटेन करना है, ये सब यहाँ से मेरे दिमाग से निकला है। जी, अगर आप तारे भी तोड़ के ले आओगे ना इस घर के लिए, तो भी उससे पहले महक चांद खरीद के ले आएगी, वो भी अपने पति के पैसों से, और आपकी मेहनत को वो दो कौड़ी का दिखा देगी। मम्मी जी, मुझे सोनल चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, और मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। तामाजी, उसके लिए आपको अपनी प्यारी बहन को तोड़कर घुटने पे लाना होगा। कर पाओगे आप ऐसा? कल का मेन्यू डिस्कस कर ले। मेन्यू तो तुम अपनी बॉस के साथ डिस्कस करना, मैं अब सिर्फ फ्रंट एंड संभालूंगा। अच्छा प्रिया, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ स्मूथ और टॉप क्लास जाना चाहिए। श्योर सर। ओके, okay?
ये नाली के चूहे, ये था तुम्हारा अनहाइजेनिक और घटिया विजन। अब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। अगर इसी तरह हमेशा ही कुकिंग करती रही आप, तो सारे कुकिंग अवार्ड आपसे वापस ले लेने चाहिए। हम FDS हैं, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तू गाना बीच में छोड़ के अंदर कैसे आ गया? ओ, तू जल्दी चल बाहर, पब्लिक वेट कर रही है। पूरा प्रज्ञा, मैंने प्रज्ञा को देखा, वो वहाँ क्राउड के बीच में थी। पूरा तूने प्रज्ञा देखो, देख मैंने कहा था ना तुझसे कि वो आएगी, और आज देखा अपने जन्मदिन के दिन वो वापस आ गई थी। अभी ये सब क्या बोल रहा है? मैंने प्रज्ञा को देखा, वो क्राउड के बीच में थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती पूरा, मैं लाखों की भीड़ में प्रज्ञा को पहचान सकता हूँ। वो उसने कुछ अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे, चश्मा नहीं पहना था उसने। मैंने उसे देखा पूरा, और उसने भी मुझे देखा, उसने हाथ लगा कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तू झूठ बोल रहा है। मेरे बारे में सोच रहे हो तेजस्विनी? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं प्रेम बाबा? प्रेम बाबा, वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है माँ, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में, हो सके तो पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव तुझसे ये वादा करता हूँ, नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे, अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। सीडी के अंदर मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स हैं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मिसेस कोहली, बात यह है कि मैं आभा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मिसेस कोहली, मुझे एक चांस दीजिए, मना मत कीजिए। तुम यहाँ? हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियाँ इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक जाइए, प्लीज प्लीज कोई भी मीठा मत खाइएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे चखूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वही इसे चखेगा। पूजा, 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 डॉक्टर को बुलाओ। पूजा, बता ही दो ना तुम्हें क्या चाहिए हमसे। हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम, अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों?